कार दोस्तों, मैं हूं शेष पंडिता और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरी चैनल 2K गेमिंग में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए गेमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है WCC2 का दोस्तों गेम प्ले। तो दोस्तों, मैं आपको गेम प्ले के साथ साथ अपने ओपिनियन दूंगा इस गेम के अपडेट्स के बारे में और दोस्तों आपको बताऊंगा कौन कौन से अपडेट जो WCC2 में हुए हैं वो अच्छे हैं और दोस्तों कौन से अपडेट्स खराब हैं। तो दोस्तों, ये मेरी ओपिनियन होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ओपिनियन पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपका बिना ज़्यादा वक्त गवाए हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम एक क्विक प्ले मैच खेलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मेरा जो फेवरेट टीम है इंडिया, दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड रख देते हैं और दोस्तों 10 ओवर का मैच रखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये गलत हुआ, जैसे 20 ओवर का 30 ओवर का मैच इसमें हमें पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें पे करने की ज़रूरत नहीं थी, पहले हमें अनलॉकिंग का ऑप्शन होता था, हम सीधा अनलॉक करके खेल सकते थे, लेकिन दोस्तों अब पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मीडियम रख देते हैं। दोस्तों ये ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद मेरे हिसाब से दोस्तों ये अपडेट भी गलत है। अगर हमने पहले से ही ये सारे स्टेडियम्स अनलॉक कर दिए थे, इतना खेल खेल के हमने दोस्तों ये स्टेडियम्स अनलॉक किए थे, लेकिन दोस्तों अब अगर हम जैसे अगर हमें खेलना है कोलकाता में, दोस्तों हमें 5000 कॉइन्स पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, या सिडनी में खेलना पड़ेगा तो 5000 करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, हम अभी खेलेंगे दोस्तों मेलबर्न में खेलेंगे अभी। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, तो दोस्तों मेरा ओपिनियन है कि दोस्तों सबसे बढ़िया अपडेट है। तो दोस्तों कैरेक्टर कस्टमाइजेशन से बढ़िया अपडेट है मेरे हिसाब से। दोस्तों अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के लिए हमें 5000 कॉइन्स पे करने हैं। तो दोस्तों यार, लाइक कर दो मेरी वीडियो को। आप लाइक करने के बिना ही चले जाते हो, तो दोस्तों लाइक कर देना मेरी वीडियो को और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों अभी लोडिंग हो रही है, तो दोस्तों अभी ग्राउंड लोड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर गेम शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़े अपडेट्स किए गए, जैसे दोस्तों यहाँ पर अब हमें देखा, हम देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइडर कैमरा यूज हो जाता है, स्पाइडर कैमरा दोस्तों यहाँ यूज हो जाता है। तो दोस्तों पहले बॉलिंग से शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और अच्छा अपडेट हो जाता है कि यहाँ पर टीममेट सारे डिस्कस कर देते हैं हम कैसा हमारी जो रणनीति होगी दोस्तों वो कैसी होगी। और दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन जैसे आते दोस्तों, यहाँ तो अभी लग रहा है पुराना अपडेट जैसा ही, लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप देखो यहाँ पर भी थोड़ा अपडेट किया गया है। दोस्तों यहाँ दोस्तों अपडेट्स वैसे बहुत सारे अच्छे हुए, लेकिन दोस्तों बहुत अपडेट्स गलत भी हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्शंस भी चेंज हो गए हैं। और दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर कैरेक्टर कस्टमाइजेशन के साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो अंपायर है वो भी अंपायर में थोड़ा चेंजेस की गई है। तो दोस्तों हमें हर मैच में अलग अलग अंपायर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों एक ही मैच में भी हमें दोस्तों अलग अलग अंपायर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ये है कि अब वन अप भी रखा गया है इस गेम में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं पहले इस गेम में वन अप नहीं होता था, बहुत सारे रूल्स थे क्रिकेट गेम के, जो असली क्रिकेट गेम होती है उसकी जो बहुत सारे रूल्स है वो फॉलो नहीं किए जाते थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे सारे के सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ नए शॉट्स भी आए हैं। अगर आप देखो दोस्तों अब बाउंसर्स भी करा लेते हैं बॉलर्स, पहले बाउंसर नहीं करा पाते थे। और दोस्तों एक्शंस भी चेंज हो गए हैं। दोस्तों पहले एक्शंस मैक्सिमम बॉलर्स के सेम टू सेम ही थे, बस थोड़े बहुत जैसे उमेश यादव जो इसमें था बॉलर, उसका ही एक्शन अलग था। दोस्तों सब बॉलर्स के एक्शन सेम टू सेम ही थे दोस्तों, लेकिन अब हर बॉलर का एक्शन हमें अलग देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अपडेट तो वैसे बहुत बढ़िया किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑटो प्ले कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर 80 और दोस्तों यहाँ पर सबसे बढ़िया अपडेट जो मेरे को लगा वो ये है कि दोस्तों जैसे कि हम जब पहले खेलते थे कि दोस्तों अगर हमने जस्ट बॉल को बस टच ही किया तो दोस्तों हम 2 रन आराम से भाग लेते थे, लेकिन दोस्तों अब 1 रन भागने के लिए भी दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप डाइव का ऑप्शन आ जाता है हमें।
दोस्तों ये डाइव का ऑप्शन में पहले नहीं था दोस्तों, सबसे बड़ी ऑप्शन है मेरे हिसाब से। और दोस्तों हाइलाइट्स के लिए भी दोस्तों एक बहुत अच्छा आया है दोस्तों, अगर हमें हाइलाइट्स को कैंसिल करना है तो दोस्तों उसके लिए भी एक बहुत अच्छा अपडेट आया है। जैसे कि आप दोस्तों अब देखें यहाँ पर देख सकते हैं अंपायर चेंज हो गया। अब दोस्तों जब मैं हाइलाइट्स हटाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर एक बॉल स्किप कराती है हमारे हाइलाइट्स को, तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया अपडेट आया ये। और दोस्तों अब छक्के और छक्के मारना इसमें बहुत मुश्किल हो चुका है दोस्तों, अब सिक्स मारना इसमें बहुत मुश्किल हो चुका है इस गेम में। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं 125 न्यू एनिमेशन आ चुकी है दोस्तों, बहुत बढ़िया अपडेट है वैसे ये। तो दोस्तों यार लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और दोस्तों अगर आप हर दिन बेहतरीन गेमिंग वीडियोस या दोस्तों क्रिकेट वीडियोस अगर कहेंगे तो दोस्तों बेहतरीन क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों जो ये क्राउड है पीछे दर्शक के दोस्तों जो पीछे वो भी उसमें भी बहुत चेंजेस लाई गई है दोस्तों, पहले थोड़े अलग टाइप के थे और दोस्तों अभी थोड़े अलग टाइप के हैं। दोस्तों ग्राफिक्स में बहुत अच्छी चेंजेस आई है। दोस्तों यहां पर मारा है मैंने सिक्स। दोस्तों क्या लगता है कितने वर्ष में मैं ये टारगेट चेंज कर पाऊंगा? और दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी वीडियो के रिगार्डिंग में कोई वीडियो किसी गेम के रिगार्डिंग में कोई वीडियो बनाओ तो दोस्तों कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए। और दोस्तों जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें मेरी इस वीडियो को। दोस्तों यह हेलीकॉप्टर शॉट। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें जब यहाँ पर आता है कि हमने सिक्स या फोर मारा तो उसमें भी चेंजेस आई हुई है, जैसे कि मैं आपको दोस्तों अब दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि अब यहाँ पे दोस्तों जो ये सिक्स का ऑप्शन है पहले यहाँ पे अलग आता था दोस्तों, और अलग आता है और ज़्यादा एनिमेशन हुई है। दोस्तों अगर बॉलर्स को ज़्यादा रन पड़ रहे होते दोस्तों जो कीपर कैप्टन और जो बॉलर होता था वो डिस्कस करते हैं अब, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया अपडेट है। दोस्तों बहुत बढ़िया अपडेट आया है वैसे। दोस्तों क्या लगता है इस ओवर में मैं 50 कर दूंगा पूरी टीम की? तो दोस्तों यहां पे एक और सिक्स। तो दोस्तों अभी आप ये वीडियो प्लीज अंत तक देखें क्योंकि दोस्तों मैं आपको अभी और इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, सिर्फ गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, मैं इसके और फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आप मेरी पूरी आज की वीडियो देखें। तो दोस्तों जो गेम प्ले के फीचर्स है वो तो दोस्तों मैंने आपको मैक्सिमम सारे दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों हम जो ये अब गेम प्ले को स्किप कर देते हैं और दोस्तों आपको मैं अब और फीचर्स बता देता हूँ जो इसके और फीचर्स हैं। तो दोस्तों अब हम गेम प्ले को स्किप कर देते हैं और दोस्तों मैं आपको इसके और फीचर्स बता देता हूँ। बात करते हैं टूर्नामेंट की। तो दोस्तों टूर्नामेंट में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर तीन आ जाते हैं, एक आता है चैंपियनशिप टूर्नामेंट, एक आता है सीरीज और दोस्तों एक आता है लीग। तो दोस्तों जो चैंपियनशिप टूर्नामेंट है उसमें आप पहले से जानते हैं कि ब्रिट्स ट्रॉफी, वर्ल्ड टी20 और वर्ल्ड कप होता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक नई टूर्नामेंट ऐड की गई है जो है एशियन कप। दोस्तों ये एशिया कप है इसलिए मैं यहाँ पर अब एशियन कप कर दिया है, तो दोस्तों एक ही बात है दोस्तों ये बहुत बढ़िया अपडेट है। उसके बाद दोस्तों सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में ODI सीरीज, ट्राई सीरीज और एशिज टू एशिज आया, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया अपडेट है मेरे हिसाब से। दोस्तों उसके बाद दोस्तों लीग की बात करें, दोस्तों लीग में दोस्तों नेशनल प्रीमियर लीग जैसे कि आप जानते हैं IPL ये पहले से ही था, तो दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान लीग जिसको हम कुछ PBL के नाम से जानते हैं दोस्तों वो आ चुका है, दोस्तों बांग्लादेश लीग आ चुका है और दोस्तों कुछ ग्रेट ऑजी बाश आ चुका है। तो दोस्तों जो ये है मैं आपको बता दूँ इसमें हमें कोई अनलॉक वनलॉक नहीं करना है दोस्तों, जो ये पाकिस्तान लीग, बांग्लादेश लीग और ग्रेट ऑजी बाश है दोस्तों ये हम सीधा खेल सकते हैं, लेकिन और हमें पर यूज दोस्तों इसमें अलग अलग हमें अमाउंट पे करने पड़ेगी। दोस्तों से पाकिस्तान लीग है उसमें हमें 20,000 कॉइन्स पे करने हैं और जो बांग्लादेश लीग है उसमें हमें 20,000 करने हैं और दोस्तों जो ये ग्रेट ऑजी बैश है दोस्तों उसमें 23,000 हमें पे करने हैं। तो दोस्तों सीरीज़ में ऐसा नहीं है, सीरीज़ में ओडे सीरीज़ और ट्राई सीरीज हमें अनलॉक करनी है दोस्तों, जो एशिज टू एशिज है ये हम ऐसे हम खेल सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद चैंपियनशिप की बात करें, चैंपियनशिप में हमें सारे के सारे अनलॉक पहले करने हैं दोस्तों। उसके बाद अगर और हम अपडेट करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पहला पेज खुलता है गेम का दोस्तों यहाँ पर चेंजेस आ गई है और दोस्तों बहुत बढ़िया चेंजेस है इसमें।
और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो पर्पल लेआउट आया है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया अपडेट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, इसमें भी बहुत चेंजेस की गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, इसमें से दोस्तों हमें देख सकते हैं, जैसे मैंने इस गेम को दोस्तों मैंने बहुत मेरा दूसरा दोस्तों ये जो गेम है, अगर आप देख सकते हैं मैंने मैच खेले गए 69, उसमें से मैं 48 जीता हूँ, 16 हारा हूँ और टाई पाँच हुए हैं। और दोस्तों टूर्नामेंट वन 150, तो दोस्तों मैंने टूर्नामेंट टोटल दो ही खेले, एक में हार गया था और दोस्तों वो ब्लिट्स टूर्नामेंट है। 50 दोस्तों मैंने 27 मारे, सेंचुरी 4 मारी, डबल सेंचुरी दोस्तों अभी तक कोई नहीं मारी, क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादा वो लंबे गेम्स खेलता नहीं हूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा 10 ओवर खेल लेता हूँ। तो रन स्कोर दोस्तों अभी 7194 है, ये कुछ 4-5 दिन में 6 से 10 हज़ार हो जाए। दोस्तों यही है इसके कुछ फीचर्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए मेरी आज की वीडियो को, शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं मेरी नई अगली वीडियो में। जय हिंद।